हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भैया पीएम मोदी मीट्स द मेन इन ब्लू, कंफर्ट्स इंडियन क्रिकेट टीम आफ्टर वर्ल्ड कप फाइनल। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं। भैया सोचो, एक तो पहले आपके कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मैच देखने खास आते हैं, उसके बाद जब आप हारते हो तो खास ड्रेसिंग रूम में जाकर आपको वहाँ पे जाके आपके साथ खड़े होते हैं और कहते हैं उदास मत हो, आपको इनकरेज करते हैं। तो इससे बड़ी बात क्या होगी कि इतना आपके साथ खड़े हुए हैं प्राइम मिनिस्टर, तो क्या फ़र्ज़ बनता है हम सब इंडियंस का कि अपनी टीम को भी इनकरेज करें और उनको बोलें कि भैया इस बारी हारे हैं, अगली बारी पक्का जीतेंगे, दिखाएंगे ये ऑस्ट्रेलिया को कि भैया तुमने किससे पंगा लिया। अब ट्रॉफी और जो ओवर स्मार्ट बन रही है ना ऑस्ट्रेलिया, जिस तरह से हरकतें करके फोटोज जिन्होंने जैसे भेजी हैं वो इंसल्टिंग फोटोज हैं, वो एक तरह से हमको इंसल्ट कर रही है, इंडिया को भी इंसल्ट कर रही है। क्योंकि मैं बाबा कहती हूँ, पैर रखा हुआ ट्रॉफी के ऊपर और जो यूं दिखाया था वो ताकत का निशान बहुत दिखा रहा था कि देखो हमें कितनी ताकत है कि हमने वर्ल्ड कप को अपने पैरों के नीचे ले आए, हम जीत गए उसको, उस टाइप से इंसल्टिंग वे से। तो उनका तो करना जो था उससे उन्होंने तो अपना दिखा दिया कि वो किस तरह के हैं। और एक तरफ हमारी टीम है, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो दिखा रहे कि हमारा कल्चर, हम किस टाइप के हैं, मेहनती हैं। मुझे पता है कौन सा गाना याद आ रहा था, वो कौन सा है, दैट डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर, वो गाना है ना। तो वैसे ही कि भैया डिफीट के बाद अब हम स्ट्रॉन्गर होके वापस आएंगे। सिर्फ ये है कि इसमें 4 साल लगते हैं। हाँ, बस और काफी सारे प्लेयर्स 4 साल बाद हो जाएंगे। पर ये है कि ये मत सोचो कि वो चले गए, जो नेक्स्ट टीम में आए वो कहें कि हमने अब अपनी देश के लिए वो जो हार थी उस हार को आप जीत में बदल के दिखाना है, वो एक्स्ट्रा मेहनत करें। जो भी प्लेयर्स हैं उनको अभी से ही डिसाइड कर लेना चाहिए जिनका पक्का है कि भैया है, और जैसी वो टीम डिसाइड हो उनको दिन रात बस वर्ल्ड कप की मेहनत करनी चाहिए, और कोई चीजें नहीं, आईपीएल वगैरह जो है उनको भी छोड़ के। किसी को जबरदस्त स्टडी करनी चाहिए कि लास्ट गेम में हाँ क्या हुआ। मैं तो पहले कहा है Somebody has to do study कि ये साइकोलॉजिकल है या क्या बात थी। Exactly. सबने मेहनत की हुई थी मगर फिर भी जो है बहुत जबरदस्त फाइट नहीं हुई, समथिंग हैपेंड, बहुत कुछ क्यों, बहुत क्या रीजन था, क्योंकि ऐसी गेम हम खेल नहीं सकते थे, इस तरह की गेम पॉसिबल ही नहीं थी हमारे लिए खेलना, जैसे हमारी परफॉर्मेंस थी कोई इंडियन नहीं बिलीव कर पा रहा। तो इन ये खुद ही अपना बैठ के एक दूसरे से बात करके, कोई बैठ के इनसे बात करे, हर एक साइकोलॉजिस्ट होता है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट होता है ना, वही तो जो सबको जो ऐसा जबरदस्त ट्रेन करता है कि कोई प्रेशर ना आए। हाँ एग्जैक्टली, और उनको वो ट्रेनिंग मिलनी चाहिए रेगुलर बेसिस पर ताकि इस टाइप का जो है फिर कभी हमारे इंडिया को देखना ना पड़े, ना हमारी टीम को देखना पड़े। तो चलो पहले इतना प्यारा वीडियो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। एटलीस्ट उनके फेस पे स्माइल तो आई है मोदी जी को देख के। आप लोग पूरा 10-10 गेम जीत के आए हो, ये तो होता रहता है। भाई देश आप लोगों को देख रहा है। मैंने सोचा मिल लू कर सबको। मोदी जी भी थोड़े उदास हैं, होंगे ही, मैं हम ही कहोगे तो वो तो ज्यादा होंगे हमसे। तो मेहनत बहुत की है लेकिन कहा बाबू बाबू ना पड़ दो हमें बहुत अच्छा किया इस बार। शामी को बोल रहा हूँ तो गुजराती बोल दो, इसने थोड़ थोड़ तो घर से तो आप लोग बहुत अच्छी मेहनत की है, चलिए होता है होता रहता है ऐसा, और साथियों को एक दूसरे को जरा
हौसला बुलंद करते चलिए, और जब आप लोग फ्री हो गए कभी दिल्ली आएंगे तो बैठूंगा आप लोगों के साथ, मेरी तरफ से निमंत्रण है आप सबको। आप लोग पूरा 10-10 गेम जीत के आए हो, ये तो होता रहता है। मुस्कुराइए भाई, देश आप लोगों को देख रहा है, देश देख रहा है। सबको मुझे तो फिर से उदासी आ रही है, देखा है कहा रहो कहते हैं आप लोग मेहनत बहुत की है लेकिन कहा बाबू ये बात है बाबू ये लो ना पड़ दो ये बहुत दुखी है ही इज वेरी सैड बहुत अच्छा किया है इस बार तो गुजराती बोलतो इसने थोड़ थोड़ कर दो घर से सो आप लोग बहुत अच्छी मेहनत की है और चलिए होता है होता रहता है ऐसा और साथियों को एक दूसरे को जरा हौसला बुलंद करते चलिए और जब आप लोग फ्री हो गए कभी दिल्ली आएंगे तो बैठूंगा आप लोगों के साथ, मेरी तरफ से निमंत्रण है आप सबको। शमी को खास बोला है कि बहुत अच्छा खेला है तुमने। दुख तो होता है यार आप लोग पूरा 10-10 गेम जीत के आए हो, ये तो होता रहता है। 10-10 गेम जीत के सुनाइए भाई, देश आप लोगों को देख रहा है। मैंने सोचा मिल लूंगा सबको। उदासी तो होती है यार, पर इट्स गुड कि मोदी जी आए और उन्होंने किया, पूरा देश तो उदास है तो इससे वो मोटिवेट कर रहे हैं, और इस टीम को तो ज़्यादा ही होगा कि सैम मुझे तो बहुत था कि इंडिया जीतेगा पर नहीं जीते, कोई बात नहीं अगली बार। इसमें केएल राहुल तो मुझे लगता है बिल्कुल रोने वाला था बेचारा, वो बहुत ही दिल का लग रहा है, सॉफ्ट है, मगर इट वॉज़ वेरी नाइस। काफ़ी सारे लोग बहुत परेशान थे, सब परेशान थे, रोहित शर्मा तो इतना परेशान था कि मोदी को बोलना पड़ा कि यार मुस्कुरा ले भाई, होता रहता है। विराट को भी बोला और कहा कि मुस्कुराओ देश देख रहा है, क्योंकि सभी उदास हैं, तुमको देख के सबको हिम्मत पड़ेगी। बहुत उदास था लगता है, नहीं दुख तो सबको बहुत हुआ है क्योंकि बहुत होप थी कि इस बार ही जीतेंगे, और उसके बाद खासकर अब जब ऑस्ट्रेलिया को देखते ना, जैसे बदतमीजी की वीडियो फोटोज लगाई हुई है, तो और गुस्सा भी आ रहा है कि इतनी हिम्मत तुम्हारी हो गई, चलो तुम जीते हो पर इस तरह की हरकतें तो मत करो एटलीस्ट तुम। पर कोई नहीं, मोदी जी ने मोटिवेट किया, और देखा था आप लोगों ने मोदी जी ने भी ब्लू पहना के आए हैं खास, वो भी जर्सी का कलर पहन के आए हैं, उन्होंने जो स्कार्फ पहना है उसमें ऑरेंज लगा हुआ और ब्लू पहने, पूरी टीम को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने सोच के वो जैकेट खास बिल्कुल वैसी पहनी हुई थी कि हमने टीम को, उनको भी यही लगा कि भैया जीतेंगे हम ही, जैसे हमको लग रहा था सबको लग रहा होगा कि हम जीतेंगे, कोई बात नहीं, कभी कभी होता है कि वो मतलब होता है ना कि बैड डे हो गया ऐसे सोच के, पर ये है कि भाई, और मोदी जी कह रहे थे कि तुम आना दिल्ली फिर आराम से मिले कि मोदी ने बहुत कहा था कि 10-10 गेम में तुमने जीती है। हाँ, मोटिवेट किया है कि इतना नेगेटिव एक गेम हार गए कोई बात नहीं, मेन गेम थी, पर ये पॉजिटिव अब देखो क्योंकि अब जो हो गया सो हो गया, आप कुछ कर थोड़ी कुछ सकते हैं अभी, तो वो देखो कि 10 गेम में तुमने जो खेल के जीते हो, और जिस तरह से उन सबको हाथ पकड़ के ऐसे कर रहे हैं, सबसे मिले हैं, सबको प्यार किया है, और शमी को खास बोला कि कमाल का तुमने जो खेला है, तुमने तो बहुत अच्छा खेला है, पर कोई नहीं अगली बार ही डेफिनेटली जीतेंगे, ये अब अपना मतलब इज्जत की सवाल हो गया, हमें दिखाना पड़ेगा कि हम जीतेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो गया अभी ये, तो आई जस्ट होप कि अब हमारी जो नेक्स्ट टीम बनेगी वो इतनी मेहनत करे, इतनी मेहनत करे कि वर्ल्ड को दिखाए, पर वी प्लेड वेल, 10 गेम में जीत के आए थे, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम पर मोदी जी ने जो जेस्चर किया ना, बहुत ही प्यारा जेस्चर किया है। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।